अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय चैनल फ़ायसा की दुनिया। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी गोश्त का अचार बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही आसान और डिलीशियस रेसिपी है। तो ऐसी ही आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने 1/2 kg मटन लिया है। मटन को हमने छोटे छोटे पीसेस में इस तरीके से कट कर लिया है और इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब हम गोश्त को कुकर में डाल देते हैं और इसमें हम डाल रहे हैं 1/2 teaspoon हल्दी पाउडर, 1/2 teaspoon नमक और 2 teaspoon अदरक लहसुन पेस्ट ऐड कर देते हैं। इसे हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। 3 से 4 tablespoon इसमें पानी हम ऐड कर देंगे। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 5 से 6 सीटी हम दिला लेंगे। गोश्त को हमें 80-90% तक ही गलाना है। गोश्त गल रहा है तब तक हम अचार के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिया है 1 teaspoon मस्टर्ड सीड, 1.5 teaspoon सूखा धनिया, 1 teaspoon ज़ीरा, 1/2 teaspoon सौंफ, 1/4 teaspoon कलौंजी, 1/4 teaspoon मेथी दाना। तो अब हम सभी मसालों को 2 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेते हैं। तो इन खड़े मसालों को हल्का सा कलर चेंज होने तक हम रोस्ट कर लेते हैं। 2 मिनट बाद मसाले रोस्ट हो चुके हैं। इन्हें हम एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और ठंडा होने के बाद इन्हें ग्राइंड करेंगे। 6 से 7 सीटी हो चुकी है। गोश्त को हम चेक कर लेंगे। तो गोश्त गल चुका है, देखिए इसमें अभी थोड़ा सा पानी है। तो अब हम गोश्त को उस वक्त तक पकाएंगे जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाए। तो 3 से 4 मिनट बाद इसका पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसको साइड में रख देंगे। यहाँ पर एक बर्तन में हमने ऑयल गर्म कर लिया है। तो इसमें हम ऐड कर देते हैं 6 से 7 हरी मिर्च। हरी मिर्च को हमने लंबाई में कट कर लिया है इस तरीके से। हरी मिर्च को 1 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। तो हरी मिर्च फ्राई हो चुका है, इसे हम निकाल लेते हैं। तो हरी मिर्च को अगर हम फ्राई करके ऐड करेंगे तो गोश्त ख़राब नहीं होगा जल्दी। और अचार में तेल ज़्यादा यूज़ करना है, इससे भी अचार ख़राब नहीं होता है जल्दी। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 1/2 teaspoon राई, 1/2 teaspoon ज़ीरा और 1 tablespoon भर के कड़ी पत्ता हम इसमें ऐड कर देते हैं। और 15 से 20 कलियां लहसुन की हमने लिया है, इसको हमने 20 से कट कर लिया है, इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। कुछ सेकंड के लिए लहसुन को हम भी इसमें हम फ्राई कर लेते हैं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं गोश्त। तो गोश्त को अब हम गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। इस वक्त गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है। तो 3 से 4 मिनट बाद गोश्त फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 से 3 लाल मिर्च तोड़ करके। गोश्त के साथ लाल मिर्च को भी हम 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। तो गोश्त और लाल मिर्च को भी हमने फ्राई कर लिया है, देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे लेमों का जूस। तो यहाँ पर हमने 3 लेमों का जूस निकाल लिया है। लेमू के जूस के साथ भी इसको हम 1 मिनट तक पका लेते हैं ताकि अचार हमारा ख़राब ना हो। अब हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अचार का मसाला जो हमने रोस्ट किया था। रोस्ट करके हमने इसको ग्राइंड कर लिया है। फ्राई किया हुआ हरी मिर्च भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, सूखा मसाला डालते वक्त हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है ताकि मसाले जले नहीं। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 2 tablespoon भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इससे अचार हमारा दिखने में बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं 2 teaspoon नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। नमक को भी अच्छे से हम इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें 1 tablespoon विनेगर डाल देते हैं। विनेगर डालने से अचार ज़्यादा दिन तक ख़राब नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, इस अचार को 3 से 4 महीने तक हम फ्रीज में रख कर यूज़ कर सकते हैं। बस अचार यूज़ करते वक्त हमें ध्यान रखना है कि इसमें हम हमेशा ड्राई और क्लीन स्पून यूज़ करें। तो फ्रेंड्स, हमारा खुशबूदार जायकेदार मटन पिकल बनके तैयार है। इसको ठंडा होने देते हैं, फिर इसके बाद इसको हम किसी एयर टाइट ग्लास जार में भर के रख लेंगे। तो अचार ठंडा हो चुका है, अब हम इसे स्टोर कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे बताए हुए तरीके से स्टेप बाय स्टेप इस अचार को बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये अचार 3 से 4 महीने तक ख़राब नहीं होगा। इस अचार को आप हमेशा फ्रिज में रखें, बाहर ये जल्दी ख़राब होगा। तो हमने इसे ग्लास जार में रख लिया है। रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, फैमिली एंड फ्रेंड्स को शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि हमारी ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि